कुफार मुशरिकीन की दस्तार गिर गई, कुफार मुशरिकीन की दस्तार गिर गई, कुफार मुशरिकीन आपके समातों के हवाले। अच्छा है भाई, जिंदाबाद। हाँ, एक बार पूरा बजमा तरफ क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि मेरे मेरे रसूल पाक के चेहरे को देख कर, मेरे रसूल पाक के चेहरे मेरे रसूल पाक के, मेरे रसूल पाक के चेहरे को देख कर, हजरत हजरत उमर के हाथ से तलवार गिर गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए कराम, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, हमजा अयाज बिजनौरी, हाय हाय हाय, क्या सुभान अल्लाह, हजरत उमर के हाथ से तलवार गिर गई। फिर पढ़ो इस शेर को भाई। मेरे रसूल पाक के चेहरे को देख कर, मेरे रसूल पाक हजरत हजरत उमर के हाथ से तलवार गिर गई, हजरत उमर के हाथ से। एक मतलब और एक शेर मुलाजा फरमाएं, नवादी शनायत। एक बार पूरा मजमा कब के कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस उम्र के बच्चे को आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं, यकीन जानिए अपने गली मोहल्ले के अंदर इस बच्चे को पूरे होशो हवास में हम नहीं देखते, ढंग से उसे नहाने का तरीका नहीं मालूम होता। लेकिन इस उम्र पे मैंने देखा है मेरे दोस्तों कि काजी जब निकाह पढ़ाता है तो अच्छे अच्छे को देखा है कि उसके बाद महफिल में खड़े होकर सलाम करते हुए तो उनके कदम में लड़खड़ाहट होती है, एक जुम्बिश होती है। लेकिन ये बच्चा बड़े धरल्ले से, बड़ी बेबाकी के साथ नाते रसूल पढ़ रहा है। तो मेरे दोस्तों इस बच्चे की हौसला अफजाई आप करें। ये बच्चा बिजनौर से आया है, कितना लंबा सफर करके आया है, थोड़ा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए तो अच्छा लगेगा। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, थोड़ा सा एक मरतबा सुभान अल्लाह की गोद में इनका इस्तकबाल कीजिए और इजाजत दीजिए। पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एक मतलब और चंद शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं जी नायक ताबिश रियान साहब। के रास्ता वो बड़ा मोतबर हो गया।